नमस्ते। ये मेरा अवेयरनेस का दूसरा वीडियो है। अवेयरनेस का मीनिंग तो यही है कि दर एक लोग को जात पहचान होनी चाहिए, जो चीज होते हैं उसके घर घर पहुंचना चाहिए। दर एक लोगों तक थोड़ी सी तो माहिती होनी चाहिए। इसको एक ही शब्द में हम अवेयरनेस बोल सकते हैं। तो आज इंडिया में जो माहौल है, मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड में आजकल माहौल ठीक नहीं है। इसका मीनिंग यह नहीं कि दिन आएगा उसको न उसकी तैयारी ना करे। दिन गया वो तो गया, वो तो वापिस आने वाले नहीं है। आज से हम ऐसे क्यों न करें कि ये मीडिया का उपयोग करके, ये सोशल मीडिया का उपयोग करके उल्टी सुलटी सब चीज देखते रहते बनाते रहते, ऐसे क्यों करो? देखो, ये चीज हमारे लिए बहुत फायदा कारक है। इसलिए कि एक टाइम ऐसा नॉलेज लेना था, ऐसे कुछ करना था, बहुत सारी बुक्स फेंदनी पड़ती थी, बहुत सारी लाइब्रेरी में घूम के ढूंढना पड़ता था, अच्छा ऑथर को ढूंढ के ढूंढना पड़ता था। वो हम आज इजीली कोई भी व्यक्ति का ज्ञान आराम से ले सकते हैं। एक ज्ञान धर्म का हो, एक ज्ञान एजुकेशन का हो, एक ज्ञान कला का हो, एक ज्ञान विज्ञान का हो, सब हमको मीडिया में मिलता है। सब इसी है, गूगल भाई से लेके ये वीडियो जो हम कर रहे हैं, ये सब में ये इजी है। तो एक इतना झड़पी अवेयरनेस आ गया है। अवेयरनेस समझने की चीज नहीं आई है। अवेयरनेस आ गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट हो गया है। सबको मालूम है, सबके हाथ में मोबाइल होता है, सब मोबाइल खोल के बैठे। मोस्ट ऑफ क्या वो आप सोचो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो आप सोचो। मैं इसके लिए सलाह देने की कोई जरूर भी नहीं है और ऐसा समझता भी, वो सलाह मेरे काम की बात नहीं है। वो सलाह कि ये देखो, वो देखो, ये देखो, ये कहने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप में वो समझ होनी चाहिए। इधर चीज की आपको समझ होनी चाहिए, आपको जरूरत होनी चाहिए। तो बाकी सामान्य नौकरी मिल गया, जॉब कर लिया, फैमिली के लिए कमा लिया, वो तो करते हैं सब। आप न होने के बाद कुछ देके गए परिवार को, देश को, राज्य को, ऐसे क्या कर रहे हो बताओ? मकान तो सब बनाता है, बने न बने। फैमिली को निभाना हो तो हमारी फर्ज है, वो तो एक जीवन का भाग बन जाता है। इससे उठकर क्या, क्योंकि जीवन है नहीं जिंदगी, दोनों अलग है। जीवन है जिंदगी नहीं, जिंदगी जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन तो सब जीते हैं, कि चींटी से लेके हाथी तक सब जीवन जीते हैं। जैसे आप खाते होते हो, खाते ये हवा लेती है, ये घूमते आप घूमते हो, सब होता है। हमारे में जो ज्यादा दिया है बुद्धि। बुद्धि का दो प्रकार है, बुद्धिजीवी और बुद्धिशाली। तो बुद्धिशाली बनना है कि बुद्धिजीवी बनना है? बुद्धिजीवी सब बनते हैं, बुद्धिशाली कितने बने? वो पकड़ो। जिंदगी कितने जिए वो पकड़ो। जीवन सब जीते, इसलिए कॉमन में जाने की जरूरत नहीं। जिंदगी जियो तो क्या करना पड़ेगा? जीवन जीना है तो मोबाइल फेंक देते रहो, सब देखते रहो। जो जो वीडियो लोग भेजते हैं, फॉरवर्ड करते, खुद देखते भी नहीं, फॉरवर्ड कर देते। फॉरवर्ड का सिस्टम बहुत चला है, बहुत चला है। फॉरवर्ड करो, ऐसे लोगों को करो जो जिसकी जरूरत है। अरे मेरे पर रसोई बनाने का वीडियो आता है, मैं क्या करूं? रसोई बनाने का वीडियो मैं क्या करूं? अरे कोई कोई ऐसा वीडियो आता है, सांप के खेलाता है, कुद का मारता है, पानी में जंप मारता है, वो मैं क्या करूं? जो व्यक्ति को जो जरूरत है दो यार, नहीं तो क्या होगा कि घोड़ा को मार दो, सिंह को घास दो, दोनों भूखा रहता है। ऐसे मत करो, नॉलेज का उपयोग करो, माइंड का उपयोग करो,
और कुछ ऐसी चीज ढूंढ के ऐसे लोगों को दो जो उसको जरूरत है, नहीं जरूरत है उसको क्यों। बाद में बहुत ऐसे करोगे तो जो दोस्त होगा ना तो भी आपको निग्लेक्ट कर देगा, डिलीट कर देगा, क्योंकि उसे जरूरत नहीं, वो देते रहते हो तो अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन समय तो इतना सारा हैरान करते हैं लोग, देते रहते, ठोकते रहते, अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे, दुरुपयोग है सबका, आपका समय का, ये मीडिया का, सोशल जो ये है साइट उसका, सब का दुरुपयोग है, उपयोग नहीं है, कचरा पेटी है। ओ ऐसे ये सब चीज की अवेयरनेस ओवर हो गई, बिना समझे करते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ओमिक हो गया, ये नहीं करना चाहिए। जिसको जो जरूरत है समय का परफेक्ट उपयोग करो, इसमें आपका समय तो जाएगा। ये बस समझने की जरूरत है, और अपन को अपनी चीज का अवेयरनेस लाने का, अपने जैसे लोगों को भेजो, समझदार को भेजो, समझे उसको भेजो, जरूरत है उसको भेजो, और जरूरत है वो सिलेक्ट करो, दोनों चीजें सिलेक्ट भी, आपको जोड़ने के लिए सिलेक्ट भी ऐसा करो, सुनने के लिए सिलेक्ट भी ऐसा, उसको कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए आपको जहां जरूर, जहां वो चीज की जरूर नहीं है, आपकी जो चीज है उसको समझाने की उसकी जरूरत खड़ी हो जाएगी, उसका जरूरी समझ नहीं है, तो समझ देना जेते व्यक्ति का काम है। हम वर्क करते मेट्रो सिटी में लगाते हैं, जरूरी है क्योंकि आपको इकोनॉमिक भी जरूर है, पर हम जहां रहते हैं वहां आजू बाजू आपको पहचानते हैं, वो जरूरी है, उसको पहले जागृत करो, घर से शुरू करो, पड़ोस से शुरू करो, गली से शुरू करो, स्ट्रीट से शुरू करो, सिटी से शुरू करो, तो पहले उसको कहते हैं आपको पूरा पहचाना, यानी आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, वो आपको बेनिफिट करेगा, वो आपको जरूरत करेगा। अवेयरनेस लाने के लिए जो जरूरत आप रंग रेखा आकार जानते हो, ये तो आपकी रेसिपी है, आपका तत्व है आर्ट का, वो जानते हो, तो वो इंटरनेट से लेके आपका घर तक उसका लोगों को जानकारी देने, जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मेरी समझ। हम इसको लेमेन क्यों समझे, क्योंकि आपके पास है उसको समझाने का, तो लेमेन क्यों, लेमेन कैसे हुआ, उसको देखने का शौक है, उसको पहनने का शौक है, उसको खाने का शौक है, घर सुंदर रखने का शौक है, सब तो उसको है, तो इसमें हमारा पार्ट कहाँ है वो उसको समझाओ, हाई हेलो करो। डायरेक्ट समझने की जरूरत नहीं कि मैं आर्टिस्ट हूं, मैं ऐसा, ये जरूरी नहीं, डायरेक्ट एक फ्रेंडशिप करो, एक पहचान, एक अलग पर्सनालिटी खड़ी करो जो आपके ओर वो आकर्षा है, फिर बातचीत तो होगी, और बातचीत से आपका काम आगे बढ़ेगा। बोले बिना बोर नहीं बेचते, गुजराती में कहवत से नहीं बोलो तो बोर नहीं बेचाए, बोर यानी खाने का जो होता है छोटा छोटा, उसको बोर कहते हैं, वो जब नहीं बोलोगे तब तक आपका मार्केट नहीं जमेगा। बिना डिस्कस, बिना समझे आप अवेयरनेस नहीं ला सकते, अवेयरनेस खाली वर्क करने से नहीं आता है, अवेयरनेस आपका वर्क प्रेजेंट करने से, आपका वर्क को कहने से, आप वर्क कराओ इससे आता है, और ऐसे लोगों को कराओ जो बेसिकली उठना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मत अपेक्षा रखो कि मैं इसको ये समझाऊं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समझते जानता है, और वो आपका वर्क देखता भी है। जो नहीं देखना चाहते, जो दूर भागना चाहते, उसको नजीक लाना जरूरी है, और बेसिकली नजीक लाना जरूरी है, बेसिकली स्टार्ट से नजीक लाना जरूरी है, इसकी जरूरत के हिसाब से आगे मैं कहता हूं।